ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, स्पेशल थाली है, बढ़िया सी, एक आदमी के लिए बढ़िया पर्याप्त सी थाली है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या क्या है? मिक्स वेज है, मटर पनीर है, सब कुछ है। कहाँ पर है, शॉप की क्या टाइमिंग है, थाली कैसे बनी है और ये कितने रुपए की है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो में तक बनी रहेगा, मजा आ जाएगा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त फूडी अमित कनपुरिया। और भैया, आज हम लोग घूम रहे हैं कृष्णा नगर में। और कृष्णा नगर में कहाँ है, ये देख रहे हैं मेरे पीछे कृष्णा नगर वाला चौराहा है। जब आप जीटी रोड से अंदर आते हैं, कृष्णा नगर गेट से अंदर आते हैं, तो चौराहे के पास एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट है, शिवम भोजनालय, स्वीट्स एंड फास्ट फूड का। यहाँ बहुत सारी वैरायटी मिलती है। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं ओनर से, बात करते हैं, अपने लिए कुछ ना कुछ लगवाते हैं, उसका आनंद लेते हैं और ये आपको स्वाद बताते हैं का कैसा है। मैं नमस्कार, क्या नाम आपका? शिवम। आपके ही नाम पे भोजनालय है? जी जी, शिवम भैया है। तो ये शॉप आपकी कितनी पुरानी है? लगभग ऐसे 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। क्या लोकेशन पड़ती है, कैसे हम यहाँ पे आ सकें? कृष्णा नगर चौरा है, कृष्णा नगर गेट के अंदर जैसे एंट्री करेंगे जी, बस कृष्णा नगर चौरा है, बस वहीं पर है, कॉर्नर की शॉप है, शिवम भोजनालय जी। शिवम भोजनालय। क्या शॉप की टाइमिंग हुई आपकी? शॉप की टाइमिंग है 11 बजे से रात 11 बजे तक। रात के 11 बजे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अपने पास क्या क्या मिलता है? फास्ट फूड है, इंडियन है, साउथ इंडियन है, चाइनीज है, सारी वैरायटी है अपने पास। अपने और मेन्यू भी है? प्योर वेज है। मेन्यू कोई है? मेन्यू भी है, दिखा दीजिएगा। ये पहिया का मेन्यू है शिवम भोजनालय का, बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। क्या क्या और क्या क्या देते हैं भैया आपके यहाँ? इंडियन है, स्वीट्स भी है, चाइनीज भी है, रोल्स है, बर्गर है, सूप है। और यहाँ पे दोस्तों थाली की भी व्यवस्था है बढ़िया थी। क्या भैया, हम अगर पास के रहने वाले तो आपसे होम डिलीवरी भी? जी, होम डिलीवरी जोमेटो से है, स्विगी से, आप कॉल पे ऑर्डर कर दें, पैक हो जाएगा। कॉल पे ऑर्डर करते हैं, पैक हो जाएगा, बस आप आएँ और ले जाएँ। हाँ, बस आइए, आप ले जाइए, जोमेटो स्विगी से भी है। स्विगी से भी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो ये देखिए, काफी बढ़िया सा रेस्टोरेंट है इनका, सेटिंग की बढ़िया सी व्यवस्था है, फुली एसी रेस्टोरेंट है, ठीक है। बैठने की बढ़िया व्यवस्था है, आपका मिठाई के काउंटर के लगे हुए हैं, ये मिठाई के सारे काउंटर और भी सदियों में गाय का हुआ। हाँ, गजर का हलवा है, काले जाम है, रबड़ी है, छेने है। और आपके पास ये पूरा रेस्टोरेंट का खाना तो मिलता ही नहीं है, पूरा मेन्यू है। तो भैया, आज हम आपके पास आए हैं तो आज हमें क्या ट्राई करना चाहिए यहाँ पे, जो हम टेस्ट करके बता सकें? आज आप हमारी थाली खाइए। थाली खाइए। तो थाली का मतलब होगा कि बहुत सारी डिशेज होंगी। कौन कौन सी थाली अपने पास है? अपने पास एक नॉर्मल थाली है, ठीक है, स्पेशल थाली है, डिलक्स थाली है जी। तो हमारे हम कौन सा ट्राई करेंगे? ट्राई करिए, पनीर की सब्जी इसमें होगी, दाल होगी, राइस होगा। डिलक्स थाली है, नॉर्मल थाली है, कौन सी? स्पेशल थाली ट्राई करिए। स्पेशल थाली। तो हम भैया उसकी मेकिंग में देखना चाहेंगे ताकि हम क्या तस्वीर दिखा सकें कैसे चीज़ें बनती हैं। थोड़ा सा हम चलते हैं किचन में, हालांकि किचन के अंदर। भैया नमस्कार, क्या नाम आपका? विकास भैया। ये अभी आप क्या बना रहे हैं? मटर पनीर बना रहे हैं। दोस्तों देख रहे हैं कितना बढ़िया सा मटर पनीर बना है, बढ़िया फ्लेम उठ रहा है। क्या क्या डाल के जाएगा थोड़ा बताते रहिएगा। सबसे पहले भैया ने ऑयल लिया है कढ़ाई में, फिर प्याज डाला, फिर मटर डाला, और ये डाल रहे हैं है। अब इसमें कौन सी ग्रेवी जाएगी? मीठी मीठी ग्रेवी आएगी, हल्की मीठी जाएगी। ये किस चीज़ की ग्रेवी होती है? और ये क्या डाल दिया आपने? ये टमाटो ग्रेवी डाला। अभी क्या डालें? मसाले, ये मसाले डाले। तो देखें सबसे बढ़िया से मटर पनीर बढ़ा रहे हैं हमारे लिए, ठीक है। पूरी पैकिंग हो रही है। और भैया ये क्या? अमूल क्रीम। दोस्तों यहाँ पे हर प्रोडक्ट अमूल की प्रोडक्ट से यूज़ होते हैं, अमूल क्रीम डाल दी बढ़िया भैया ने। और ये पनीर,
आपको क्रीमी सा पूरा मटर पनीर बन रहा है, बढ़िया थी मेकिंग। अब दाल लगा रहे हैं उसको, देख रहे हैं आपको मैं तड़के वाली दाल दिखा रहा हूँ, होटल की बढ़िया सी रेसिपी की दिखा रहा हूँ, तड़के की दाल की। सबसे पहले भैया ने पैन में ले लिया ऑयल, अब डालें खड़े लाल मिर्च बढ़िया तरीके से। दाल तड़का बनाने की पूरी रेसिपी आपको दिखाई देंगे। ये जीरा हो गया क्या? और ये थोड़े से प्याज गए हैं, और इसको बनने में कितना टाइम लग जाता है? दो मिनट के अंदर दाल तैयार हो जाएगी आपकी। बढ़िया थी भैया बना रहे हैं, ठीक है। और ये पूरी थाली हमारी लग रही है, स्पेशल थाली है यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे दोस्तों तीन तरह की थाली मिलती है, एक नॉर्मल थाली है, एक स्पेशल थाली है और एक डिलक्स थाली है। तो हम लोगों ने स्पेशल थाली लगवा रहे हैं जिसमें कई तरह की सब्जियाँ आती हैं, एक पनीर की सब्जी होती है, एक दाल होती है, चार रोटी होती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आपको थाली की पूरी मेकिंग दिखाऊंगा, वीडियो में एंड तक बने रहिए। अब ये टमाटर डाल दिया है, इसमें देखिए कितना बढ़िया सा फ्लेम उठ रहा है, ठीक है। और ये लाल मिर्च जा रही है, और ये इसमें डाल दी, ठीक है। उसको देख रहे हैं हमारी दाल लगभग कंप्लीट होने वाली है, और मैं भैया ने कर दिया कंप्लीट इसको दाल को। ये बन गई दाल तड़का, पूरी रेस्टोरेंट स्टाइल में दाल तड़का बन गई है। क्या बना रहे हैं? मिक्स वेज। उसको देखिए अब हम लोग के लिए मिक्स वेज लग रही है, पूरी थाली आपको बन रही है, जिसमें एक आ गई है आपकी दाल तड़का, एक मटर पनीर आ गई है, अब एक जा रही है मिक्स वेज बन रही है, उसकी मेकिंग देखिए। ये देखिए सबसे पहले भैया ने ऑयल लिया है पैन में, फिर थोड़ा प्याज और जीरा और हरा मिर्च डाला है, दिखा रहा है दोनों दिखा रहे, ठीक है। और ये टमाटर गया, इसका नहीं बताते हैं। और ये भैया ये सब यहाँ मिक्स वेजेस जा रही हैं, और ये ऊपर से पनीर। दोस्तों देख रहे हैं हर चीज़ क्वालिटी प्रोडक्ट है यहाँ पे, बढ़िया पनीर और अमूल क्रीम हर चीज़ क्वालिटी। ये सारे मसाले जा रहे हैं मिक्स वेज, ठीक है। और इसमें ग्रेवी चलती थी और उसकी ग्रेवी, ये देखिए ये कंप्लीट हो गई मिक्स वेज भी, और उसके ऊपर गार्निशिंग लिए थोड़ा सा पनीर ग्रेट किया है, ठीक है। अब ये क्या बना रहे हैं? अब जीरा राइस बन रहा है, उसको देख रहे हैं जीरा राइस बन रहा है, ठीक है। जीरा चटक रहा है, तो देखिए काफ़ी लंबे लंबे बड़े बड़े ऐसे राइस हैं ये, ये जीरा राइस कम्प्लीट हो गया। यही नहीं अभी और सुनिए, ये देखिए दोस्तों हम लोगों ने शिवम भोजनालय रेस्टोरेंट में लिया है, क्या लिया है, ये बढ़िया सी थाली लगवाई है, स्पेशल थाली। स्पेशल थाली में क्या क्या हमने लिया है, इनका तीन तरह की थालियाँ हैं, डिलक्स थाली, स्पेशल थाली और नॉर्मल थाली। इसमें सबसे पहले हमने जो स्पेशल थाली लगवाई है इसमें क्या क्या रहता है, ये दाल तड़का है बढ़िया सी, अभी इसकी मेकिंग आपको दिखाई दी। साथ में है मटर पनीर है, मिक्स वेज है, जीरा राइस है, दो तंदूरी रोटी है, बढ़िया सा सलाद है। ये मात्र 160 रुपए की थाली है आपकी, अब आइए दिखाते हैं टेस्ट करके आपको बताते हैं इनका स्वाद कैसा है। तंदूरी रोटी देख रहे हैं बढ़िया सी बटर की है, क्रिस्पी है, फ्रेंची नूडल देख रहे हैं कितनी कड़क है, एकदम गर्मा गर्म है, ठीक है। इसको लेते हैं किसके साथ, दाल के साथ लेते हैं, ये देखिए दाल एकदम ठीक है, पूरी ढाबा स्टाइल बनी है रेस्टोरेंट में, ठीक है। इसको खाते हैं,
ये दाल है, खड़ा मिर्चा पड़ा हुआ है रेड कलर का और ये ऐसा फ्लेवर दे रहा है। साथ में क्या है, मटर पनीर है। मटर पनीर की मेकिंग दिखाई दी आपको, बढ़िया सी ग्रेवीदार एकदम थिक ग्रेवी है और इसमें अमूल क्रीम का यूज़ किया गया है, बढ़िया सा। इसको खाते हैं। दोस्तों क्रीमीनेस है, मीडियम स्पाइसी, हल्का सा स्वीटनेस है, बढ़िया सा फ्लेवर है क्योंकि इसमें देख रहे हैं अमूल प्रोडक्ट तो बताया मैंने यूज़ किया गया और उसका काफ़ी अच्छा सा टेस्ट है। साथ में हमने क्या ली, मिक्स वेज ली है। मिक्स वेज में देख रहे हैं ऊपर से इन्होंने पनीर कट करके डाला है, कई सारी भजीज हैं इसमें, उसको लेते हैं, उसको भी खाते हैं मिक्स वेज को। तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है मिक्स वेज का भी। यहाँ पे जो हर वैरायटी है, बहुत बढ़िया सी मेकिंग देखी हमने आपको दिखाई और बहुत बढ़िया सा फ्लेवर दे रही है जिनको खाने में दोस्तों मज़ा ही आ गया। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप कानपुर के रहने वाले हैं या फिर मेरे कभी भविष्य में कानपुर घूमने वाले आने वाले हैं तो जब भी आप जीटी रोड के पास कृष्णा नगर में आइए, गेट से अंदर चौराहे पर ही ये पड़ता है क्या, शिवम भोजनालय है, यहाँ पे दोस्तों ज़रूर आइए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बैठकर यहाँ पे एंजॉय करिए, बढ़िया सा फैमिली रेस्टोरेंट है, यहाँ पे एंजॉय करिए या फिर भैया घर पैक करा के ले जाइए यहाँ का खाना, जोमेटो स्विगी से मंगाइए और घर पे एंजॉय करिए। और भैया हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।